नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीटीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा आपसे सैलरी जो होती है, मेन सैलरी आपकी एसएससी जेई की, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर, इसका मतलब एसएससी की बात हो रही तो ये किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है जेई दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्टेट जेई होता है, स्टेट का जेई कोई भी स्टेट आपका हो सकता है, यूपी बिहार, ये स्टेट का जेई हो जाएगा, और एक आपका होता है एसएससी जेई, ये जो सेकेंड नंबर है। तो आज मैं बात करूँगा आपका एसएससी जेई जो है उसकी आपकी सैलरी क्या होती है। देखिए माय डियर, आप जितने भी लोग स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेन आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आप बीटेक करते हैं या आप डिप्लोमा करते हैं, तो मेन आपकी ड्रीम जॉब जो होती है वो आपकी जेई, जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए तो ड्रीम जॉब ही होती है कि आप सिलेक्शन हो जाए, आपका CPWD में हो जाए, MES में हो जाए, जितने भी डिपार्टमेंट है, आपका सेंट्रल वाटर कमीशन है, बैराज वाला है, जितने भी हैं सभी डिपार्टमेंट आपकी ड्रीम जॉब होती है डिप्लोमा वालों के लिए। लेकिन अब जो है, अब जो बीटेक वालों की भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी, जो गवर्नमेंट जॉब की दिक्कत फेस कर रहे हैं कि वो भी एसएससी जेई को अब अपनी ड्रीम जॉब समझने लगे हैं। तो ये एसएससी जेई का अभी एग्ज़ाम भी हुआ है, अभी रिसेंट में इसी मंथ में एग्ज़ाम था, 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जेई का। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया उनको अगर अच्छा एग्ज़ाम हुआ है तो वो अपना मेंस के लिए तैयारी करें, अभी प्री का हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आपकी सैलरी का, तो चलते हैं मेन पॉइंट जो है, आदमी पढ़ता क्यों है, ताकि एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। और अभी आप देख रहे हैं पेंशन का भी मुद्दा चल रहा है, तो आपका हो सकता है कि फ्यूचर में आपको पेंशन भी मिल जाए, ओल्ड पेंशन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पेंशन, तो इसकी भी, इसके बारे में भी कोई बात करेंगे। NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो BJP की गवर्नमेंट, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ख़त्म की थी ओल्ड पेंशन, और अब न्यू पेंशन, इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको एक लोगों की सैलरी दिखाऊंगा जो कि अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, और मेरे चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं जेई की। सैलरी देख के मोटिवेशन होता है तो आप पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मन लगेगा। देखिए ये जो है CPWD में बंदा है जिसकी मैं दिखा रहा हूँ, और ये किस में है, जेई में है, ठीक, CPWD जेई दिल्ली में पोस्टिंग है इसकी, ठीक, नाम मैंने छुपा दिया है। इसकी जो पेमेंट है वो आपकी 1/6/2023 से 30/6, मतलब ये आपकी जब इसने ज्वाइन किया, तो बेसिक जो आपको पता है ग्रेड पे जो होता है आपका कितना है, 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे में आपका जो बेसिक होता है, बेसिक आप सुने होंगे बेसिक, तो बेसिक आपका 4200 में कहाँ से स्टार्ट होता है, 35400, जो पहली आपकी सैलरी स्टार्ट होगी उसमें बेसिक आपका 35400 रुपये होगा, और ये आपकी हर साल जो होता है एक इंक्रीमेंट लगता है, आपको पता होगा हर साल आपके जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगता है, तो ये नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा, मतलब वही 1100 या 1200 रुपये हर महीने, हर साल में आपका बेसिक में बढ़ता है, जब बेसिक में बढ़ेगा तो ओवरऑल आपकी सैलरी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी वो समझ लेते हैं। तो इसका जो आपका बेसिक है वो इतने से स्टार्ट होगा, जो नया बंदा ज्वाइन करेगा हर साल बढ़ेगा, और तो बढ़ते बढ़ते आखिरी तक जो है मैक्सिमम जो जा सकता है 1,12,400, ये आपका बेसिक, जब आप, हो सकता है कि जो कम एज में जॉब लग गई है तो उसका लास्ट में बेसिक इतना होगा, अगर तो मैं उसको भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कि आपका अगर बेसिक इतना है तो आपकी क्या सैलरी बनेगी, उसको भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आपका बेसिक जो है मान लीजिए 35400 से 1,12,400 है, तो इस केस में आप देख लीजिए, तो पहला जो बेसिक आपका स्टार्ट होगा, जो पहली सैलरी होगी उसमें बेसिक आपका जो आएगा लिख के वो क्या आएगा, जो पहला है 35400, तो ये लिख के आया 35400, ठीक। DNS अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, महंगाई भत्ता जो होता है आप जानते हैं, महंगाई भत्ता हर साल जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे गवर्नमेंट जो है महंगाई भत्ता भी बढ़ाती है, तो हर साल जब आपका बेसिक बढ़ेगा उसके साथ साथ आपको महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है, तो ये आपका इस समय जो है प्रेजेंट में 42% जो है महंगाई भत्ता गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो आप बेसिक का 42% निकालेंगे, बेसिक का 42% निकालेंगे तो आएगा 14,868, ठीक है, ये आपका आ गया बेसिक 14,868, आप इसका 42% निकाल लीजिए 35,400 का, तो इतना आ गया। HRA क्या होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी आपकी पोस्टिंग है तो आप किराए के कमरा लेके रहोगे तो उसके लिए आपको पैसा देती है, इसको HRA कहते हैं, जो कि 9, अगर ये आप सरकारी क्वार्टर ले लेते हैं तो आपका HRA जो है वो नहीं मिलेगा, 9,000
9,558 रुपीज़ जो है आपका एच आर ए होगा। ये क्या है, टीपीटी ट्रैवलिंग अलाउंस है आपका, ठीक है, जो कि आपको पर मंथ मिलता है 5,112 रुपये। और अब आप देखेंगे ये आपका जो है पैसा मिला है आपको, तो टोटल सबको जोड़ देंगे तो आपकी सैलरी बनेगी टोटल एमोलूमेंट जो है आपका, जो पैसा मिला है वो आपका 64,938। ये आपकी जब बेसिक बनी कितनी, बेसिक जब थी आपकी 35,000, तो आपकी लगभग इसका डबल करोगे तो 70,800 होना चाहिए, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम आप बोल सकते हो ऐसा, कि जब बेसिक आपका जो होगा उससे डबल से थोड़ा सा कम आपका जो होगी, आपकी ये जो होगी नेट, ये ग्रॉस सैलरी होगी आपकी 64,938, ये ग्रॉस सैलरी। अब कुछ गवर्नमेंट की रिकवरी, मतलब जो कटौती होती है, कटौती जो होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, CGEGIS आपका 60 रुपये कटता है, एम्प्लॉय टायर जो NPS की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम वो आपका 5,027 रुपये कटता है, CGHS आपका मेडिकल का होगा 450 कटता है, तो टोटल जो गवर्नमेंट ने काटा आपको वो 5,537 काटा, 5,537 काटा। तो आप देख सकते हैं आपकी इतनी टोटल थी, उसमें से ये नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप NPS में टायर टू भी होता है, टायर टू में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं उसमें अगर आप कटौती करवाते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, तो वो टीयर टू में आपका जाएगा और उसमें आपके दिखेगा, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया कुछ, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें से टोटल में से इतना माइनस हुआ, तो आपकी जो नेट पेमेंट बनी 59,401। ये पहली सैलरी है 59,401 रुपीज़, जो कि पर मंथ आपके अकाउंट में आएगी और एक साल बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, एक साल बाद आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा, DA भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपकी जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा और मैं अब आप कैलकुलेट करिएगा अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से, मैं 2 मिनट का समय लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जो बेसिक आपका अगर मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ, जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुँचेंगे तब आपका 1,12,400 होगा, उसका मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा या आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करके नहीं बताता हूँ, उसमें मैं समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे बेसिक जो हो जाएगा, बेसिक आपका मान लो मैक्सिमम कितना हो गया, 1,12,400 रुपये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। तो इस बेसिक का आप जो अभी आज के सिनेरियो में निकालेंगे तो 42% इसका बेसिक का, मतलब 42/100 इंटू 1,12,400 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 42% मान लो तो 40,000 के आसपास कुछ आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपका एच आर ए भी बढ़ेगा, समय के साथ एच आर ए भी बढ़ता जाता है, इसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस जो होगा TPT भी बढ़ेगा, तो आपकी 1,00,000 अगर ये इतना अगर आपका बेसिक होगा तो मोटा मोटा मैं बोल दूँ कि डबल इसका क्या हो जाएगा, डबल इसका करोगे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 008,422, 2,24,800 रुपये आपकी ये जो होगी, ये अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो, डबल से थोड़ा सा कम, इसका मतलब आप मान के चलिए कि 2,00,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, जब आपका जो बेसिक होगा वो कितना होगा, 1,12,400 इसी के आसपास होगी, मैंने रफ बताया। और समय के साथ आप जानते हैं कि हर चीज़ बढ़ती है, और गवर्नमेंट में सबसे अच्छी बात यही है कि ये चीज़ें आपकी समय के साथ बढ़ेंगी। और सिक्योरिटी देखिए, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ओल्ड पेंशन के लिए लोग क्यों परेशान हैं, ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्यों लोग परेशान हैं। जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, अभी तक देखिए जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी कर रहा था, वो ये 2004 में जो है वो आपकी 2004 में आपकी जो पुरानी पेंशन है वो बंद कर दी गई, अब उसकी जगह चालू की गई न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी होता है वो पढ़ा लिखा हम मानते हैं उसको, तो ओल्ड पेंशन जब बंद की गई तो लोगों को कहा गया कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको ओल्ड पेंशन से अच्छी जो है आपको वो आपको इसमें सैलरी पेंशन मिलेगी, इसलिए आप परेशान मत होइए। 2004 से क्या आ गया 2023, अभी लोग देख रहे हैं कि जो 2004 में जो आदमी भर्ती हुआ होगा वो तो रिटायर हो नहीं जाएगा, 10-15 साल तो उसकी सर्विस रहेगी, कितना भी कम एज का आदमी, 40 साल होता है एज क्राइटेरिया आने का मैक्सिमम, यूपी की बात करें तो,
तो 40 साल में मान लो कोई आदमी जॉब में आया तो 2004 में वो 40 साल का था अगर, तो रिटायर कब होता है 60 साल में, तो यहाँ से जब तक वो रिटायर होगा 20 साल बाद रिटायर होगा, तो यहाँ मान लो कि कोई जो है वो लगभग 2024 में लोग रिटायर होंगे, या कुछ और ज़्यादा उम्र के लोग आ गए जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, कोई 42 ईयर्स का आया जॉब में तो वो 18 साल में रिटायर हो जाएगा। तो जब लोग रिटायर होना स्टार्ट हुए तो पता चला कि एक तो इनकी सैलरी से कुछ पैसा कट रहा है, ठीक है, उसी की सैलरी से 10% जो है पैसा कट रहा है, उसके बाद ये पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट कब कोलैप्स कर जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक। उसके बाद आपकी जो पेंशन बन रही है वो कुछ लोगों की कितनी बन रही है जो अभी रिटायर हुए हैं, 1600 रुपये पर मंथ, किसी की 1200 रुपये पर मंथ, ठीक। तो आप इमेजिन करिए कि आज के समय में किसी को 1600 या 1200 रुपये मिल रहा है तो वो क्या अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो ये न्यू पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या थी, आप जिस पेंशन पे रिटायर हुए, मान लो इसकी मैं बात करता हूँ, तो मैक्सिमम आपका बेसिक कितना, इतने से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम 1,12,400 में ना मान के मैं मान लेता हूँ आपका बेसिक जब रिटायर हुए होंगे आप, तो मान लीजिए किसी का बेसिक जो है वो 1,00,000 रुपये आपका बेसिक है, ठीक है। तो ये अगर किसी की बेसिक है, सैलरी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो जो ओल्ड पेंशन में सीधा सिद्धांत था आपका जीपीएफ भी कटेगा, उसमें मेडिकल बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी कोई सैलरी भी नहीं कटेगी, सीधा इसका कंसेप्ट है जो आपकी पेंशन होगी, जो पेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिक का हाफ हो जाएगी। तो आपकी जो पेंशन मिलेगी, पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपकी लगभग 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी पर मंथ, ठीक है, ये बेसिक होगी। अब जैसे पेंशन होता है तो पेंशन में भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता जैसे 42% है तो उस समय हो सकता है आपका 60% हो, तो जब आप रिटायर होंगे 50% और 60% आपका जो होगा वो मान लो आपको मिल गया, क्या ये हो गया आपका DNS अलाउंसेस, तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, बेसिक पेंशन जो हो जाएगी 50,000 का 60% अगर निकालोगे, 60/100 आपका 50,000 उस समय, देखिए 50,000 तो ये आपकी बेस ये होगी पेंशन होगी, इसका बेसिक जो होगा कम होगा, तो जो भी बेसिक बनेगा उसका मतलब आप समझ, ये पूरा बेसिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपकी पेंशन बन गई। अब जैसे आपका ये मैंने बताया टोटल, जैसे अभी आपकी ये जो सैलरी है आपकी इन हैंड मिल रही है 64,000 ये नेट है ग्रॉस, और नेट जो है आपकी 59,000, तो इसमें बेसिक कितना है आपका 35,400, मतलब बेसिक जो आपकी जो इस समय ये आपकी जो पेंशन होगी वो सैलरी कंसीडर की जाएगी, ठीक। तो ये 50,000 आपका बेसिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसमें बेसिक आपका लगभग क्या होता है 50% से कम होता है, तो 50 है तो मैं मान लूँ कि 22,000 रुपये आपका बेसिक होगा मान लो, ठीक है। तो उसमें 60% अगर आपका चल रहा होगा, इसका भी बेसिक होगा ना, टोटल को बेसिक नहीं मानेंगे, तो 50% से कम होता है तो बेसिक आपका लगभग 22,000 हो गया। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 यहाँ से कट गया, 10 यहाँ से कट गया, कितना आ गया 0, 0, 12, 13, तो लगभग 13,200 रुपये आपको क्या मिलेगा, DA मिलेगा। 50,000 और 13,000 अगर आप मिला दोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो सम्मानजनक एक आपकी सैलरी मिलेगी पेंशन के रूप में, जिसमें आपका बेसिक भी होगा, HRA नहीं मिलता है इसमें, 13,200 टोटल देख लोगे तो आपका 63,200 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सम्मानजनक है। अब NPS में क्या हो रहा है, NPS में 1300 रुपये पर मंथ किसी को पेंशन मिल रही है, जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1700 रुपये पर मंथ मिल रही है। अभी एक एग्जांपल आया है कि हिमाचल प्रदेश, आप जानते होंगे एक स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे एक बंदा रिटायर हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे वो रिटायर हुआ है तो वो NPS में था, न्यू पेंशन स्कीम में था, तो NPS में उसकी जो पेंशन आ रही थी वो 1700 रुपये आ रही थी, ठीक, पर मंथ। 1700 में क्या होता है, 1000 रुपये अगर सिलेंडर ही भरता है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे और क्या अपने ऊपर खर्च करोगे, और बुढ़ापे के साथ आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो आप देखिएगा, अब जब उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे वहाँ पे पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने वहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हम अगर स्टेट में जीत के आएंगे तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड पेंशन लागू कर दूँगा। तो ओल्ड पेंशन उन्होंने लागू कर दी। अब जो अभी पहली सैलरी आई है वहाँ पे पेंशन की, जिसको 17,000 मिल रहे थे, उसको लगभग 35,000 समथिंग में, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन उसको 35 से 37,000 के बीच में उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो वो
कितना खुश हुए होंगे परिवार। अब इसमें जीवन यापन हो सकता है क्योंकि बुढ़ापे के साथ आपके मेडिकल खर्चे से लेके हर चीज़ें और भी लाइबिलिटीज होती हैं क्योंकि सबके जॉब नहीं लगती आपकी फैमिली में। तो आई होप ये आप सैलरी का कुछ समझ गए होंगे, आपकी जो बेसिक सैलरी है। और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं किसी की यहाँ पे बुराई या कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओल्ड पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सांसद विधायक हैं वो सब पेंशन ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन ही ले रहे हैं, वो न्यू पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं? इतनी अच्छी है तो आप NPS में जाइए, आप भी जाइए। जो आदमी 60 साल तक सर्विस करता है एक डिपार्टमेंट के लिए, पूरी ज़िंदगी कुर्बान करता है, उसको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है ओल्ड पेंशन के लिए, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।